बोला बोलिए क्या हालत है? कोटा घाट का जरा, कोटा घाट का जरा बासई का और कदवा का ये मेन रास्ता हुआ कोटा। दो यहाँ पर सूरवीर हैं। ऐसे ऐसे सुनिए, हम वहाँ से दस हुए, 15 साल से जिता रहा पब्लिक हमको यहाँ पर। हाँ, और ये रास्ता मेन रास्ता है कोटा बासई का, बासई का और कदवा का भी। बहुत पैसेंट यहाँ मर गए हैं रास्ता पार होने में। बारिश के समय में देखिए नजारा, पार होने का अगर रास्ता अगर है तो ठीक है, या फिर हम लोग गलत है। चलिए ठीक, ये है ये दोनों इलाका जो है कुरुम हाट यहाँ बहुत पुराना है। कुरुम हाट पुराना है, फिर आप ही बोलिए हम बोलेंगे। कुरुम हाट बहुत पुराना है। शकील खान साहब एमएलए कांग्रेस के और महबूब साहब सादगी वाले एमएलए हैं जी। एक 4 बार एमएलए बने हैं, 3 बार वो, 1 बार उनका भाई साहब, और 1 बार बने हैं शकील खान साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही इलाका है। देख लीजिए लोग की परेशानी, देख लीजिए कि कितना क्या है, देख लीजिए कैसे लोग आ रहा है, बेचारा तकलीफ में है। कभी तारिक अनवर साहब भी यहीं से एमपी मंत्री बने हैं। हाँ। और शकील खान साहब बने हैं। हाँ। महबूब आलम साहब बने, और दुलाल चंद गोस्वामी भी इसी इलाके से एमपी बने। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी का विकास का दावा देख लीजिए कि चचा मेरे हैं, इनसे पूछिए और लोग से पूछिए कि क्या स्थिति है। तो अब यही सीमांचल के लोग अब तक 72 साल इन्होंने क्या किया आपके सामने है। उम्मीद है आने वाला नस्ल, आने वाले चुनाव और आने वाला मुस्तकबिल एक बेहतर फैसला होगा।